हेलो गैस, वेलकम टू गेट एकेडमी। बात करते हैं कॉम्बैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। आपका कॉम्बैट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कॉम्बैट में, कॉम्बैट के सीरीज में। इसमें पूछ रखा है आपका, अ बॉल M1 एंड M1 ऑफ मास 1 kg ट्रैवर्स अ फ्रिक्शनलेस पाइप फॉलिंग थ्रू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इट देन स्ट्राइक अ बॉल M2 ऑफ मास 2 kg हैंगिंग फ्रॉम अ कॉर्ड 1.5 मीटर लॉन्ग। Determine the height to which this ball will rise, assuming the impact to be perfectly elastic. It means that coefficient of restitution E equal to 1. देखिए ये फिगर दे रखा है आपका, एक पाइप है जिससे आपका ये 1.5 मीटर हाइट से मैं छोड़ा, जिसका आपका मास है 1 kg। जब ये आपका बॉल को यहाँ से छोड़ा तो ये मूव करते करते यहाँ तक एक वेलोसिटी गेन कर लेगा, और ये इस वेलोसिटी से यहाँ पे आके क्या करेगा, परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो उस समय जब इंपैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, इधर मूव करेगा। सो ये जब मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस है, जैसे कि ये मूव किया इधर, सो ये कितने हाइट से मूव किया, ये वाला ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। साथ के साथ ये भी पूछा जा सकता है इसका थीटा क्या होगा, साथ के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है ना। मतलब तीनों चीजें आपका एक ही डायरेक्शन में जाके अपन निकाल सकते हैं, मतलब एक ही मेथड से अपन तीनों चीजें निकाल सकते हैं। क्या ये एक एच, इस क्वेश्चन में आपको एच पूछ रखा है, ठीक है ना। एच के बारे में आपको बताना है, ठीक है। मैं जब इसका सॉल्यूशन दूंगा उस समय आप लोगों को थीटा के बारे में भी बता दूंगा, और साथ के साथ आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। सो ये चीजें पूछी जा सकती है, आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो आप अपने कमेंट्स जो रहेंगे, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन आपको जो पॉसिबल सॉल्यूशन लगता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू।